आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार। नमस्कार, आप सभी का बहुत स्वागत है प्राइम टीवी पर। और आप अब देखना शुरू कर चुके हैं प्राइम टीवी का यूपी इलेक्शन पर सबसे बड़ा कार्यक्रम, उत्तर प्रदेश यानी यूपी का मुखिया कौन। सबसे पहले इस कार्यक्रम में आज हम राजधानी लखनऊ में हैं, और राजधानी लखनऊ में हम पुराने लखनऊ की तरफ है, क्योंकि कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति उत्तर प्रदेश की राजधानी से ही होकर गुजरती है। और इस राजधानी को समझना है तो पहले पुराने लखनऊ हो लीजिए, क्योंकि पुराने लखनऊ में वो इतिहास है, पुराने लखनऊ में लखनऊ का दिल है, पुराने लखनऊ में ही बहुत से ऐसे समीकरण बनते बिगड़ते हैं, जो कि उत्तर प्रदेश का शायद सभी नेताओं को इस बात का इल्म है कि अगर उत्तर प्रदेश को जीतना है तो एक बार राजधानी लखनऊ में जो नया लखनऊ है और पुराना लखनऊ है, इसका फर्क समझ लेना बहुत जरूरी है। फिलहाल इस वक्त मैं राजधानी लखनऊ के पुराने लखनऊ की तरफ हूं, और पुराने लखनऊ में भी आज हम बात करेंगे कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है वो क्या है। हम बात करेंगे कि उत्तर प्रदेश में चुनावी रणनीतियां किस हिसाब से तय की जा रही हैं। उत्तर प्रदेश में 403 विधानसभा सीटों पर आखिर राजनीतिक दलों की तरफ से क्या गणित भिड़ाया जा रहा है, और आखिर उत्तर प्रदेश में मुखिया के रूप में इस बार हमें और आपको किस चेहरे पर मुहर लगानी है, किस पार्टी पर मुहर लगानी है, क्योंकि हमें और आपको अपने मुद्दे पर हमेशा ही अडिग रहना चाहिए। इस बार भी, इस चुनाव में भी रहना बहुत जरूरी है, और अगर इस मुद्दे पर हम वोट करेंगे तो जाहिर सी बात है हमें वो सरकार मिलेगी जो हमारा और आपका विकास करेगी, जो हमारे और आपके क्षेत्र का, आपके प्रदेश का विकास करेगी। फिलहाल अगर बात करी जाए इस वक्त उत्तर प्रदेश की राजनीति की, तो कई सारे मुद्दे हैं। लगातार सरकार की तरफ कि 4.5 साल पौने जो कार्यकाल उत्तर प्रदेश सरकार का हुआ है वो सबसे बेहतर, सबसे बेहतरीन कार्यकाल है बीती सरकारों के मुकाबले। उन्होंने रोजगार दे दिया साफ सुथरी तरीके से, उन्होंने गांव गरीब किसान सबका उद्धार कर दिया, उन्होंने वो काम कर दिया जो बीती सरकारें अगर सत्ता में आएंगी तो भी नहीं कर पाएंगी, और सत्ता में थी तो करना नहीं चाहती थी। कहा जा रहा है कि जिन नौकरियों को हमने साफ सुथरी तरीके से दिया है, पहले जब यही भर्तियां निकाली जाती थी तो एक ऐसा जिला है जहां से लोग लखनऊ आ जाते थे, उसके बाद जो लिस्ट थी वो तैयार करी जाती थी और फिर भर्तियां की जाती थी। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ ऐसा समीकरण बनाया जाता था कि किसानों का हक मारने की पूरी तैयारी करके किसानों का हक मारा जाता था। गांव गरीब किसान हमेशा ही बदहाल रहा बीती सरकारों में, कोई उनकी सुध नहीं लेता था। कई सारे आरोप जो हैं वो मौजूदा सरकार बीती सरकारों पर लगा रही है, और इन सबके बीच में सबसे बड़ा आरोप है सत्ता में रहने वाले उन नेताओं के ऊपर जो दरअसल बाहुबली है, जो दरअसल माफिया है, और सरकार ने बुलडोजर नीति के तहत, सरकार ने उन्हें जेल भिजवाने के तहत उनको नस्ते नाबूद किया और ये कहा कि हमारी सरकार सबसे पाक साफ काम कर रही है। अब ये तो बात रही सत्ता की, सत्ता के अलावा भी जो विपक्षी दल है वो भी इस पूरे चुनाव में शांत नहीं है। वो लगातार सरकार से कह रहे हैं कि एक विशेष वर्ग के ऊपर बुलडोजर चलाया गया है, एक विशेष वर्ग के ऊपर, एक विशेष जातियों के ऊपर उनके एनकाउंटर्स किए गए हैं, उनके ऊपर कानूनी कार्रवाइयां करी गई हैं, किसानों के लिए कुछ नहीं किया गया। अगर किया जाता तो साल भर से ज्यादा समय बीत जाने के बाद किसान प्रदर्शन नहीं कर रहा होता। बिजली की बात ना करिए, क्योंकि विपक्षी दलों का कहना है कि 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे देंगे, सपा की तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से, सबकी तरफ से कहा जा रहा है, और कई सारे जो वायदे हैं वो भी किए जा रहे हैं। तो आज हम इसी राजनीतिक तापमान को जानने के लिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में हैं, और यहां से ही लगभग सभी राजनीतिक दलों की तरफ से जो चुनावी गणित है उसे शुरू किया जाता है, बनाया जाता है, बिगाड़ा जाता है, बिसाते बिछाई जाती है, किस मोहरे को लाना है, किस मोहरे को बाहर करना है, इन सबकी तैयारी इसी राजधानी से करी जाती है। और इस राजधानी पर मैं आज चुनावी चर्चा करूंगा प्राइम टीवी का सबसे खास कार्यक्रम उत्तर प्रदेश यानी यूपी का मुखिया कौन। मैं सबसे पहले अपने मेहमानों से आपको रूबरू कराता हूं, और उसके बाद इस विशेष कार्यक्रम को राजधानी लखनऊ से शुरू करता हूं। देखते रहिए, जुड़े रहिए हमारे साथ। सबसे पहले मैं आपको रूबरू कराऊंगा, हमारे साथ बीजेपी से चंद्रमोहन चौबे जी हैं, हमारे साथ प्रदीप सिंह जी हैं,
कांग्रेस से प्रीतपाल सलूजा साहब हमारे साथ, आम आदमी पार्टी से, और मीसम जैदी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से हैं। आज की जो चर्चा है अहम इसलिए है क्योंकि जो पहले चरण का मतदान है वो महज कुछ दिनों बाद होगा। जो कैंडिडेट्स की लिस्ट है हर चरण की वो लगातार चल रही है, दिखाई जा रही है, बताई जा रही है कि सबसे पाक साफ प्रत्याशियों की सूची हमने जारी कर दी, हमारा मैनिफेस्टो सबसे बेहतर होगा, जनता के लिए जो हम कर रहे हैं वो कोई नहीं कर सकता, और विपक्ष कह रहा है कि हम वो काम करेंगे जिन कामों में सरकार विफल रही है। तो आज इन्हीं सब मुद्दों पर हम चर्चा करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर भैया ये जो उत्तर प्रदेश की जनता है, इस जनता के बारे में भी कुछ विचार हुआ है क्या? इस उत्तर प्रदेश की जनता के बारे में भी कोई संघर्ष की बात कही गई है क्या? इस जनता के युवाओं के हित की बात कही जा रही है? जो भर्तियां लंबे समय से अटकी हुई है क्या उन पर बात हो रही है? इन सब चीजों पर चर्चा करेंगे और चलिए शुरू करते हैं इस महत्वपूर्ण डिबेट, इस महत्वपूर्ण कार्यक्रम को। यूपी का मुखिया कौन? सबसे पहले मैं चंद्रमोहन चौबे जी, जो कि हमारे सत्ता दल से हमारे साथ जुड़े हुए हैं, उनके साथ रूबरू होंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे। चौबे जी, मेरा सवाल आपसे सबसे पहला यही है कि उत्तर प्रदेश का चुनाव है, रणनीतियां तय कर दी गई हैं, लेकिन विपक्ष लगातार इस बात को कह रहा है कि पौने पांच साल में आप पूरी तरह से विफल रहे हैं, पूरी तरह से फेल रहे हैं। क्या जवाब है इसका? क्योंकि चुनावों के दौरान उनका यह कहना है कि जैसे जैसे चुनाव करीब आएगा आप हिंदू मुस्लिम करेंगे, आप जिन्ना जिन्ना करेंगे, आप इन सारी बातों को करेंगे जिससे जो सौहार्द वो बिगड़ेगा और एक बार फिर से आप इस पूरे चुनाव को एक अलग ही रुख देने की कोशिश करेंगे क्योंकि आप विकास पर बात नहीं कर सकते। देखिए, चुनाव का सोचेगा तो वो देखेगा कि सोच ईमानदार है, सरकार की काम दामदार है। वो इसलिए जब जाएगा तो 2017 से पहले वो जरूर सोचेगा कि यहां पर मात्र दो एक्सप्रेसवे थे, आज पांच एक्सप्रेसवे है। जब वो वोट डालने जाएगा तो वो जरूर सोचेगा कि 2017 से पहले यहां पे 15 मेडिकल कॉलेज थे, आज 59 मेडिकल कॉलेज है, जिसमें 32 मेडिकल कॉलेज में जो है मेडिकल की पढ़ाई हो रही है। आज मत जाता जब जाएगा बूथ पे वोट डालने तो वो सोचेगा कि किसानों के बारे में, जब किसान जाएगा तो वो ये सोचेगा कि जब पांच साल 2017 से पहले जब यही सरकारें थी तो जो है गन्ना का जो भुगतान हुआ था वो मात्र 95,000 करोड़ रुपए हुआ था और इस सरकार ने 152,000 करोड़ रुपए का भुगतान किया है। किसान जब बूथ पर जाएगा तो वो सोचेगा कि यही 2017 से पहले एक भी किसान का जो है भुगतान नहीं हुआ था, उनका कर्जा माफ नहीं हुआ था, लेकिन इस सरकार ने 36,000 करोड़ रुपए से 46,00,000 किसानों का जो है कर्जा माफ किया। ठीक है। जब मेरा किसान जाएगा, चौबे जी मेरा सवाल आपने जिन मुद्दों को गिनाया है उन सभी मुद्दों पर विपक्षी दलों ने पहले ही सवाल खड़े किए हुए हैं। आपने कहा कि हमने एक्सप्रेसवे बनवा दिया, समाजवादी पार्टी कह रही है कि जो एक्सप्रेसवे बनवाया है भैया वो हमारी सरकार में ही पास हो गया था, इन्होंने खाली उसका नक्शा खींच के उस पर डामर बिछा दिया है, कोई भी उस पर होटल नहीं है, कोई अस्पताल नहीं है, कोई भी ऐसी सुविधा नहीं है, जो जनता उस पर गुजर रही है वो गुजरते जाएगी, वो रुक करके कहीं पे चाय नहीं पी सकती। दूसरी चीज आपने कहा हमने कई सारे मेडिकल कॉलेजेस बनवा दिए, सपा कह रही है कि प्राथमिक जो स्वास्थ्य केंद्र है वहीं पर आप लोगों ने पोस्टर टांग दिया और कह दिया कि मेडिकल कॉलेज है, ये समाजवादी पार्टी कह रही है। किसान की बात आपने कही है, ये प्रदीप भाई खड़े हैं, इन्होंने भी कुछ दिनों पहले एक श्वेत पत्र जारी किया था और इन्होंने कहा था कि कहा गया है कि उत्तर प्रदेश में और देश में किसानों की आय दोगुनी करी जाएगी, लेकिन भैया किसान मरने को परेशान है, किसान को भुगतान नहीं मिल रहा है, तो हर चीज का तोड़ तो ये लोग निकाल रहे हैं। हमने आपसे क्या कहा कि जब जनता जाएगी मतदान पर बूथ वोट डालने तो उसके दिमाग में ये बात रहेगी। जैसे इन्होंने कहा कि हमने ये किया हमने वो किया, अरे भाई एक ईटा रखकर पत्थर रखकर उस पे अगरबत्ती दिखाकर उस पे फूल माल डालकर उद्घाटन कर देने से मात्र क्या विकास होता है? जो विकास दिखे, वो बिल्डिंग खड़ी है वो दिख रहा है, सड़क पे जो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे आज दौड़ रहा है तो लोग देख रहे हैं, उस पे जा रहे हैं तो देख रहे हैं। हमने क्या कहा कि मेडिकल कॉलेज क्या, जो हमने बात आपसे बताई 59 कॉलेज हुए हैं ना मेडिकल कॉलेज, 32 में मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई हो रही है, और अभी आपने कहा किसानों का
तो किसानों का देखिए, किसान देखेंगे कि ये लोग जो है चीनी मिल बंद कर रहे थे, हम लोग चीनी मिल चालू कर रहे हैं। और सुनिए, इन्होंने 5 सालों में विपक्षी जो हमारी जो माननीय अखिलेश जी की जो सरकार थी, उन्होंने मात्र 5 सालों में किसानों से MSP पर 2,20,000 मीट्रिक लाख टन जो है खरीदा था, और हमारी सरकार ने जो है इन 5 सालों में 4,70,000 मीट्रिक लाख टन जो है खरीदा। ठीक है, तो ये है, ये काम है, ये काम दिख रहा है, झूठा नहीं है। और ये सुनिए, सुनिए, हम बकायदा बही खाता रख कर सामने रख कर बता रहे हैं, और इनके पास ना खाता है ना बही है, बस कहते हैं कि जो हम कहें वही सही है। ठीक है, तो मैं जानता हूँ कि सही है कि नहीं है। मिसम सैनी हमारे साथ समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए हैं। मिसम भाई, क्यों आप लोग इस बात को कह रहे हैं कि भैया इन लोगों ने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पे पोस्टर टांग के बता दिया कि मेडिकल कॉलेज है? इन लोगों ने तो पूर्वांचल एक्सप्रेसवे दे दिया, कई सारे मेडिकल कॉलेज दे दिए, देखिए चौबे जी बता रहे हैं, और किसानों का जो इद्दार उन्होंने किया है वो आप तो कभी कर ही नहीं सकते थे, ये कह रहे हैं। देखिए नितिन जी, ये चौबे जी जो हमारे मित्र बता रहे हैं, इसमें इनकी गलती नहीं है। क्यों? और इनका बताना है फर्ज भी है, क्योंकि जहां से मैन्युफैक्चरिंग हो करके इन तक पहुंचाया जा रहा है, ये ऊपर वालों का खेल है। हम इसीलिए जनता के बीच में भारतीय जनता पार्टी तो सच बोलना गुनाह है क्या? नहीं नहीं, सच बोलना नहीं गुनाह है। उस चौबे जी कह रहे कि वो सच बोल रहे, उस झूठ को फैब्रिकेट तरीके से जनता तक पहुंचाना गुनाह है। अच्छा, उस जनता को धोखा देना गुनाह है। उस किसान को जो हमारा अन्नदाता है, उस पर गाड़ी चला करके राउंड के मार देना, उसके रास्ते में कांटे बिछाना और भूखा मारना और नौजवानों को लाठी से पीटना, यह गुनाह है। हम इसी गुनाह को बुलाने के लिए जनता के बीच आए हैं, और ये बताने के लिए कि इनका जो झूठ है इसी से ही जनता को होशियार करना है। हम तो इनके किए हुए कार्यों की बात तो तब करेंगे जब हम पहले इनके झूठ को जनता तक पहुंचा दें, क्योंकि समय कम है। आप जान रहे हैं उत्तर प्रदेश में चुनाव नजदीक आ गया है, तो हमारा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का, हमारी पार्टी का ये फर्ज है कि हम जनता के बीच जा करके, मान्यवर हमारे साथ खड़े हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूँ, ये कोई भी एक ऐसा काम भारतीय जनता पार्टी के जो विवेक से हुआ हो, जो तन मन से सोचा हुआ, उनकी एक उपज हो? अरे तो राम मंदिर का निर्माण करा दिया बीजेपी ने, बीजेपी कहती है। देखिए, आपने बड़ी अच्छी बात कही राम मंदिर को लेकर के, अब आप यही मैं बताना चाह रहा हूँ कि राम मंदिर ये एक आस्था का विषय है, और ये 125 करोड़ के देश की जनता की आस्था। नहीं, बीजेपी कहती कि हमने किया है, नहीं, नहीं, हुआ है। बीजेपी ने किया है, बीजेपी ने जो किया है वो आपको मालूम है। बीजेपी ने ये किया है कि बीजेपी ने हिंदू और मुसलमान को बांटना सिखाया है। अच्छा। उनके बीच खाई खोदना बताया है। और ये बताया है कि देखो, हिंदू मुसलमानों के दुश्मन है, मुसलमान हिंदू के दुश्मन है। और रही बात जो ये जिसका क्रेडिट लेते हैं, देखिए जो आदमी अनपढ़ है, ना समझ है, उसको तो आप एक बार बता सकते हैं, मगर आप जैसे पत्रकार पढ़े लिखे और जो यहाँ की पढ़ी लिखी जनता मौजूद है, उसको आप बेवकूफ नहीं बना सकते। वो फैसला सुप्रीम कोर्ट का है और वो आपके राजकाज में हुआ। और रही बात राम मंदिर आप बनाने की, तो राम मंदिर भी आप अपने पास से नहीं बना रहे हैं, देश की जनता से पैसा मांग के बना रहे हैं। और जब आपने अपना 3,000 करोड़ का जहाज और 1,000 करोड़ का मकान इनके नेता ने बनाया, वो देश का पैसा था, और मंदिर में लगाने के लिए भीख मांगना पड़ रही है। और एक बात और मैं आपके साथ कहना चाहता हूँ कि रही बात इनके गृह मंत्री, मैं सवाल पूछना चाहता हूँ कि आखिर में इनको सिर्फ एक कराना जगह क्यों मिली? क्या चाहते हैं फिर प्रदेश को आग में ठोकना चाहते हैं, चिंगारी लगाना चाहते हैं किसानों के बीच में, जनता के बीच में? जब हमारे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी चुनाव लड़ने के लिए खड़े होते हैं, तो आप बताते हैं कि उनको अपने पिताजी की सीट मिली? तो हम वही बात सवाल पूछ सकते हैं। नहीं, आपका हेलीकॉप्टर रोक लिया जाता तो आप कैसे बीजेपी रुकवाया? बिल्कुल रुकवाया, कैसे मान लिया जाए रुकवाया? ये डर है भारतीय जनता पार्टी का, क्यों? क्योंकि इनकी डबल इंजन की सरकार है। अच्छा। ये दिल्ली में प्रदेश में जो चाहे कर सकते हैं। हाँ। और इन्होंने रुकवाया है और ये डरे हुए हैं, और इनकी हालत बहुत खराब है नितिन जी। आने वाले समय में इसको आपके सामने पर्दाफाश करेंगे। प्रदीप जी हमारे साथ कांग्रेस से जुड़ रहे हैं। प्रदीप जी, आप लोगों ने कुछ दिनों पहले एक श्वेत पत्र जारी किया था और ये कहा था कि किसान जितना परेशान है, किसान कितना हताश है, सरकार कह रही थी कि आय दोगुना कर देंगे, हुआ कुछ नहीं, वो आत्महत्या करने को मजबूर है। ये सवाल तो बेबुनियाद है, चौबे जी कह रहे हैं आपसे। चौबे जी कह रहे हैं, अब एक कवित्री है जो अपने आप को जनकवि कहती है, उसने क्या कहा? हाँ। कि यूपी में का बा? हाँ। यूपी में छात्र बेरोजगार बा। हाँ। नौजवान बेरोजगार बा। हाँ। और किसान लाचार बा, और सरकारी लाठी
लाठी चार्ज बा और महंगाई महंगाई बढ़ल बा। ये चीज यूपी का नक्शा है जो कवित्री की जुबान से निकल के आया है, ये आम लोगों की जुबान है। जवाब भी तो दे दिया, जवाब बिल्कुल हम आ रहे हैं, हम मुद्दों पे आ रहे हैं। जब किसानों की बात होती है तो टेनी महाराज याद आते हैं, जब किसानों की बात आती है तो वो गुंडा गृह राज्य मंत्री जिसने किसानों के सीने पे गाड़ियां चढ़ाई और आज भी सरकार उसे संरक्षित करती नजर आ रही है। ये किसानों के हित का काम इन्होंने किया। नौजवानों के हित की जब बात होती है, विद्यार्थियों के हित की जब बात होती है, तो आपने देखा होगा दो दिन पहले ही इलाहाबाद विश्वविद्यालय के विद्यार्थी और इस देश के विद्यार्थी जब रोजगार मांगने सड़कों पर आते हैं तो ये अहंकारी सरकार किस तरीके से लाठियां चलाती है, किस तरीके से उनके घरों में घुसती है, उनके दरवाजे तोड़ देती है, ये रोजगार की स्थिति है। और जब किसान जब आम आदमी की बात होती है तो हम कहना चाहते हैं कि 100 रुपए का पेट्रोल मतदान करते समय ये जनता याद रखेगी, 250 रुपए का कड़वा तेल मतदान करते जाते करने जाते समय ये जनता याद रखेगी। और नौजवान याद रखेगा कि आपने जितनी भी वांट निकाली सारी की सारी वांटे फिर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ गई। एक भी वांट ऐसी नहीं है जो घोटाले की भेंट न चढ़ी हो, एक भी नौकरी आपने दी हो। तो आप बताइए, आप तो विज्ञापन निकालते हो कि 4.5 लाख नौकरियां आपने दे दी है, उस विज्ञापन में जिस लेखपाल की फोटो छापते हो वो भी फर्जी होती है। तो नेताजी आप बताओ ये फर्जी फोटो छापने की आपको जरूरत क्यों पड़ी? और बात पहले आप अपने केवल आप चुनाव में जा रहे हो, अपना संकल्प पत्र पढ़ लो कि आपने पिछले संकल्प पत्र में आपने क्या वायदे किए थे, क्या आपने कोई भी वादा उसमें पूरा किया? और मुख्यमंत्री जी आप सदन में जब आए थे आप तो आपने सदन में एक पाउडर बरामद हुआ था, आपने सदन को बताया ये वो पाउडर है जिससे पूरी विधानसभा ब्लास्ट हो जाती। आज तक वो पाउडर किसने रखा, वो अपराधी कौन था, मुख्यमंत्री जी आज भी नहीं बता पाए, आज भी उसकी विवेचना जारी है। और आप बात करते हो जिस सरकार के पास कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी थी उसमें आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते थे, 100-100 राउंड गोलियां इसी लखनऊ में जवाहर भवन से लेकर डीआरएम ऑफिस तक उसमें मंत्री महोदय ने अपने हाथों से चलाई। हमें बात करना चाहते हैं, सवाल पूरा बात बस 10 सेकंड की बात कर रहे हैं। आप बात करते हो जब आधे दर्जन से ज्यादा अपराधी बैठते हो वहाँ पे, आप ये कहते हो कानून व्यवस्था ठीक थी, 314 से ज्यादा अपराधी विधायकों के साथ आपने सरकार चलाई, आप कहते हो कि सब कुछ ठीक था। हम कहते हैं कुलदीप सेंगर जैसे बलात्कारी गुंडे विधायक के साथ सरकार उनको संरक्षित करती खड़ी नजर आई, चिन्मयानंद साक्षी महाराज जैसे बलात्कारी नेताओं के पीछे आपको आपकी भारतीय जनता पार्टी उसे संरक्षित करती नजर आई। ऐसे समय हम पूछना चाहते हैं कि हाथरस की बेटी अगर आपसे न्याय मांग रही है तो आप न्याय कैसे करोगे? उन्नाव की बेटी अगर आपसे न्याय मांग रही है तो आप न्याय कैसे? और उसमें जब हम 40% महिलाओं की राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं तो भारतीय जनता पार्टी के पेट में दर्द शुरू हो जाता है। इसलिए शुरू हो जाता है ये सवाल पूछे जाने लगेंगे उन्नाव पे, ये सवाल पूछे जाने लगेंगे हाथरस पे, ये वो सवाल है जो पूछे जाएंगे। और इन सवालों के साथ उत्तर प्रदेश आवाम 10 मार्च को कह रही है 10 मार्च भाजपा साफ ठीक है। ये कह रहे हैं कि आपने कह तो दिया कि महिलाओं को हिस्सेदारी दे देंगे, लेकिन ये भी कह रहे हैं कि आपको महिला कैंडिडेट ढूंढे नहीं मिल रही है। हमने जनता आपको वोट क्यों करे, क्योंकि इनका कहना है कि भैया उनके पास तो मुख्यमंत्री चेहरा भी नहीं है, वो किसको वोट करने जाएंगे? माननीय प्रियंका गांधी जी के नेतृत्व में हम उत्तर प्रदेश में पिछले 5 सालों से सरकार को कटघरे में खड़ा करते रहे। प्रियंका जी मुख्यमंत्री, सुन लीजिए पूरी बात तो सुन लीजिए, हमने सरकार को कटघरे में खड़ा किया है। हर समस्या के लिए हमने सरकार के सामने जन आवाज बनने की कोशिश की है, जनता की आवाज हमने बनने की कोशिश की है। और सुनिए पूरी बात आ जाने दीजिए। और 40% हिस्सेदारी की जब हम राजनीतिक हिस्सेदारी की बात करते हैं तो अपने टिकटों में हमने 40% की हिस्सेदारी करके दिखाया है, इनकी तरह झूठ नहीं बोला है। आज तक बता दे भारतीय जनता पार्टी की इसकी राष्ट्रीय अध्यक्ष कभी महिला हुई हो तो बता दे, प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश की कोई महिला हुई हो तो बता दे, उत्तर प्रदेश में आज तक भारतीय जनता पार्टी का कोई महिला मुख्यमंत्री का चेहरा हो तो बता दीजिए। हमने तो तीन हमने अपना हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष महिला, हमारी हमने राष्ट्रपति महिला दिया, हमने उत्तर प्रदेश की मुख्यमंत्री महिला दिया, मुख्यमंत्री के चेहरे के रूप में प्रियंका गांधी और उन्हीं से असली लड़ाई है। हम पूछना चाहते हैं 2017 में भारतीय जनता पार्टी का चेहरा कौन था? हम पूछना चाहते हैं भारतीय जनता पार्टी का 2017 में चेहरा। और आज की बात तो कर रहे हैं, आज ये डबल इंजन की सरकार है, लेकिन इंजन दोनों अलग अलग दिशा में भाग रहा है। जानते हैं योगी जी ने खम काल दिया है कि आप उनके चेहरे को बदल नहीं सकते, और मोदी जी जानते हैं कि आदमी आगे बढ़ रहा है, अगर जीता तो प्रधानमंत्री का दावेदार होगा, इसलिए ये इंजन अलग अलग दिशा में चल रहे हैं। अच्छा ठीक है, मैं आता हूँ। प्रीतपाल जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं,
आम आदमी पार्टी का सबसे अहम बात यह है कि वो भी कुछ दिनों पहले उत्तर प्रदेश में सक्रिय हुई, और सक्रिय होने के साथ साथ उन्होंने अपने संगठन को मजबूत कर लिया, उन्होंने सबसे ज्यादा कैंडिडेट्स की लिस्ट घोषित कर दी, और उन्होंने कैंडिडेट्स की लिस्ट में भी सबसे ज्यादा तवज्जो उन्हें दी है जो पढ़े लिखे हैं। उनका ये कहना है कि हमारी लिस्ट में पीएचडी वाले भी हैं, कुछ आईएएस भी हैं जो कि रिटायर हो चुके हैं, कुछ ग्रेजुएट भी हैं, कुछ डॉक्टरी पढ़ के आए हैं, कुछ ऐसे कैंडिडेट हैं जो समाज में अगर जीत कर आते हैं तो बेहतर विकास और विधानसभा में बेहतर आवाज बनने का काम करेंगे। लेकिन इनके दावों की बात वहां पर सबसे ज्यादा ठंडी हो जाती है जब इनसे मुख्यमंत्री चेहरा पूछा जाता है। कोई चेहरा नहीं है, जनता वोट किसे देगी? प्रीतपाल जी, मेरा सवाल आपसे यही है, आपने सबकी बात सुन ली है, मैं आपके पास आया हूँ। पहले तो मैं इन लोगों का जवाब आपसे चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में जिस तरह से चौबे जी ने कहा कि हमने जो विकास कर दिया उस विकास का जवाब विपक्ष के पास नहीं है, और विपक्ष ने कह दिया कि भैया ये जो विकास हुआ ये दरअसल हमारा था। हम आपसे पूछना चाहते हैं, क्योंकि आप उत्तर प्रदेश में नई राजनीतिक दल नई सोच के साथ आए हुए हैं, तो क्या रणनीति आप लोगों की रहेगी? इनकी बातों से कितना सहमत है, और आखिर में यूपी के मुखिया के रूप में आपके पास कौन सा चेहरा है? देखिए नितिन जी, उत्तर प्रदेश की जनता ही हमारा चेहरा है, उत्तर प्रदेश की जनता ही हमको जिता के भेजेगी, और उत्तर प्रदेश की जनता तय करेगी कि उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री मुखिया कैसा होगा। आम आदमी पहली पार्टी होगी उत्तर प्रदेश या देश की राजनीति में जिसने कभी ये नहीं कहा कि मेरा अगड़ा वोट है, पिछड़ा वोट है, या अल्पसंख्यक वोट है, या कोई वोट है। आम आदमी पार्टी ने जो प्रत्याशी उतारे हैं उसमें डॉक्टर्स उतारे हैं, पीएचडी होल्डर उतारे हैं, इंजीनियर उतारे हैं, अधिवक्ता उतारे हैं, वो इसलिए उतारे हैं कि वो विजन वाले होंगे, पढ़े लिखे लोग होंगे जिनके पास बदलने का एक मादा होगा, उनका अनुभव होगा उनके साथ। पढ़े लिखे नहीं थे। अब देखिए ना, अनपढ़ों की सरकार है। आप देख लीजिए कि युवा सारे सामने खड़े हैं, ये बता दें, इन युवा से भी पूछ लीजिएगा, कोरोना काल में चाहे पहला हो, दूसरा हो, चाहे अब तीसरा आया है, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री तब भी आप लोगों को कहा करते थे अपने घर में रहिए, दूरी बना के रखिए, घर से बाहर मत निकलिए। उसके बाद वही प्रधानमंत्री 3 महीने बाद ये लॉकडाउन जब खत्म होता है तो वही प्रधानमंत्री इनकी गाड़ियों का टैक्स भी लेते हैं इनसे, इनके ई रिक्शे का टैक्स भी इनसे लेते हैं, इनके ऑटो वालों से भी टैक्स लेते हैं, इनकी बिजली के बिल मांगते हैं, इनके माताओं पिताओं के जो बच्चे स्कूल में पढ़ रहे थे, जो घरों में बंद थे, बिजनेस उनका बंद था, उनसे उन प्राइवेट स्कूलों का खून नोचने के लिए उनको एक सिरिंज भी दे देते हैं, भोको और नोचो। तो ये नहीं, दोहरा मापदंड नहीं चलने वाला। उत्तर प्रदेश की जनता लॉकडाउन में भोगी है, कोरोना काल में भोगी है, अपनों को खोया है, अपने को खोने के बाद दफनाने की जगहें नहीं उनको मिली, जलाने की जगहें उनको नहीं मिली, इसी रूमी गेट से घंटा घर के ऊपर एनआरसी के ऊपर इतना बड़ा आंदोलन हुआ था, तब ये क्या कहा करते थे, बड़े बड़े पोस्टर उन लोगों को लगाए करते थे जिन्होंने देश के लिए कुछ किया, उसमें आईएएस भी थे, उसमें कई ऐसी महिलाएं थी जिन्होंने अपने सामाजिक अपने योगदान से लोगों को दिया, उनके भी बड़े बड़े पोस्टर लगाए गए, उनके एड्रेस डाले गए, उनके मोबाइल नंबर डाले गए। क्यों नहीं योगी आदित्यनाथ जी उनके पोस्टर और बैनर और उनके घर पे बुलडोजर चलाते हैं जो उनके गोरखपुर में एक व्यापारी की हत्या कर देता है? क्यों नहीं उनके पोस्टर बैनर और उनके घर पे बुलडोजर चलाते हैं तो 2 बजे हमारी बेटी को हाथरस में रात को मिट्टी का तेल डाल के जला दिया जाता है? क्यों नहीं कुलदीप सिंह सेंगर के घर पे बुलडोजर चलाने का काम योगी आदित्यनाथ करती है? अगर योगी आदित्यनाथ जी ने बहुत अच्छा काम किया है, सारे युवा यहाँ खड़े हैं, सभी पढ़ाई करके निकले होंगे, अपना एक रिपोर्ट कार्ड ले जाके अपने माता पिता को दिखाते, देखिए पिताजी मैंने बहुत अच्छी पढ़ाई की है, मुझे ये नंबर मिले हैं। योगी आदित्यनाथ जी में दम है तो वो 5 साल का अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जनता के बीच में चले जाए। अगर उनकी माँ ने दूध पिलाया, उनके पिताजी ने उनको गोद में खिलाया हो, जो मर गया, जिनको देखने भी कोरोना काल में वो नहीं गए, यही से पता चलता है कि योगी आदित्यनाथ जी जो अपने पिता का नहीं हुआ, अपने लोगों का नहीं हुआ, तो उत्तर प्रदेश की 24 करोड़ जनता का कहां से होगा? लेकिन ये इनके तो हाथ का बस्ता नहीं है कि चुनाव के पहले जो संकल्प लिया था वो संकल्प से ज्यादा काम कर दिया है हमने। भाई बातों में क्या रखा हुआ है? ये वही प्रधानमंत्री है जब उज्ज्वल योजना के तहत जब ये बिजली का जब चल रहा था तो दिल्ली से फीता काट के कहते हैं कि फलने गांव में बिजली चली गई, जब पत्रकार महोदय वहां पहुंचते हैं तो पता चलता है वहां तो तार ही नहीं लगी है। अच्छा, ये अवस्था होती है। यही सरोजनी नटकुर में चले जाइए, सरोजनी नगर विधानसभा में सिलेंडर आपने दिए, मगर सिलेंडर देने के बाद क्या 1,000 का सिलेंडर वो हमारी गरीब माताएं बहने खरीद पाएंगी? ये आम आदमी पार्टी 1,000 रुपए महीने का जो सम्मान राशि महिलाओं को देंगी, वो सम्मान राशि जवाब इनको देगा।
हम लोग जो युवाओं को 10 लाख नौकरियां साल में देंगे इसका जवाब उनको मिलेगा। 300 यूनिट हम उत्तर प्रदेश की हर वर्ग को देंगे जो 300 यूनिट की बिजली के नीचे जलाते हैं, उनको हम मुफ्त बिजली देंगे, 24 घंटे की बिजली देंगे, पुराने बिजली बकाया सब माफ करेंगे, महिलाओं माताओं बहनों को बसों में आवागमन मुफ्त देंगे, उससे इनको जवाब मिलेगा। ये जनता को जो इन्होंने 2017 में कहा था 70 लाख नौकरियां देंगे, आपकी लड़ाई 4.5 लाख नौकरियां में सीना टोक रहे हैं। लड़ाई खाली क्या चौबे जी से है, ये आपके बगल में खड़े हैं वो हमारी लड़ाई जो सत्ता में आसीन होता है, जिसको जनता ने 2017 में मौका दिया, जो नहीं कर पाया उसके खिलाफ रहेगी हमारी। जो भी यहाँ लोग खड़े हुए सब विचारधारा की लड़ाई के लिए खड़े हुए हैं, सभी हमारे इस भारतवर्ष के हैं, सभी हमारे भाई हैं, मगर विचारधारा के कारण ये सरकार जो है जिसने नष्ट करने का काम, लड़ाने का काम, नौजवानों को खत्म करने का काम, नौजवान जब नौकरियां मांगते तो उनका सर फोड़ के लाठी से सर फोड़ने का काम, और प्रयागराज में उन बच्चों ने क्या गलती की थी, इसी उत्तर प्रदेश की मोदी और अमित शाह की और योगी की पुलिस ने उनके बाट मार मार के, जिस राइफल हमारे टैक्स के पैसे से वो राइफल आई थी उससे बाट मार मार के उनका दरवाजा तोड़ तोड़ कर, उन गरीबों का जो बेचारे घर से अपने माता पिता का 500-1000 रुपए महीना लेके पढ़ाई करते हैं, उनको नौकरियां नहीं दे पाए, उनके घर पे सर पे लाठियां मारोगे? हमारे टैक्स के पैसे से जो हमको सुरक्षा मिलनी चाहिए वो पुलिस अब क्या कर रही है? भारतीय जनता पार्टी का काम कर रही है। कल हम लोग सरोजनी नगर में एक प्रचार कर रहे थे, मुश्किल से 9 या 10 लोग थे, हम लोगों पे FIR दर्ज करा दी गई, कह दिया गया कि आप लोग गलत काम कर रहे हो, आप लोग कोरोना काल का कलम गलत काम करो, योगी आदित्यनाथ जी करें तो सही, अमित शाह भीड़ इकट्ठा करें तो सही, राजनाथ सिंह जी आके यहाँ पे भीड़ इकट्ठा करें तो सही, भारतीय जनता पार्टी के लोग भीड़ इकट्ठे करें, वो यहाँ वहां जाए, उनको कोई नहीं रोकने वाला, वो मास्क लगाए अथवा ना लगाए उनके पास कोरोना बगल से निकल जाता है, मगर बाकी पार्टियों के जो समस्या आती है वो इनको कोरोना दिखती है। ठीक है, मैं आता हूँ चौबे जी, अब फिर से आपके पास आता हूँ, क्योंकि आपने सबकी बातें सुन ली, सबकी बातों का जो तोड़ है वो क्या आपने निकाला। दूसरी चीज, एक सबसे अहम मुद्दा उत्तर प्रदेश में इस वक्त ये चल रहा है कि जो विपक्षी दल है वो बहुत कुछ मुफ्त देने की बात कर रहे हैं, वो बिजली मुफ्त दे रहे हैं, वो ये कह रहे हैं कि हम 10 लाख नौकरियां दे देंगे, जैसे आम आदमी पार्टी कह रही है, अखिलेश यादव ने भी कहा है कि हम नौकरियां देंगे अच्छे खासा बड़े पैमाने पर। इसके अलावा ये भी कहा गया है कि महिलाओं को पैसा दिया जाएगा महीने के रूप में, बेरोजगारी भत्ता भी अच्छा खासा बताया जा रहा है कि वो भी दिया जा सकता है, दिया जाएगा, बसों में महिलाओं के लिए सफर मुफ्त दिया जाएगा। तो ये जो मुफ्त वाला मामला है भैया, इस पे तो आप लोग फेल हैं, कुछ दे ही नहीं रहे हैं, और बाकी सबने जिस तरह से अभी आपकी बातों पर जवाब दिया है, इसका कोई जवाब है? देखिए, कहने को कुछ भी कह सकते, तो कहते तो आप भी सुन लीजिए हाँ। सुन लीजिए, रोजगार की इन्होंने बात कही हाँ। बड़ा युवाओं के प्रति इनको जो है सहानुभूति है हाँ। बड़ी सहानुभूति है हाँ। और जब इनको मौका मिला तो इन्होंने क्या किया, इनसे दुगना नौकरी, इनसे दुगना नहीं, पूरे 10 सालों का आंकड़ा आप ले लेंगे हाँ। तो उनसे हमने दुगना दिया हाँ। जब बसपा को सरकार बनाने का मौका मिला था, मनमोहन बहन जी की सरकार थी, उनको सरकारी नौकरी प्राप्त करेंगे, प्राइवेट भी और करेंगे हाँ, उन्होंने मात्र 92,000 नौकरी सरकारी दी थी अच्छा। जी सरकारी नौकरी का बात कर रहे थे। माननीय अखिलेश जी को जब मौका मिला बेरोजगारी दूर करने का, युवाओं की बात कर रहे हैं, तो इन्होंने मात्र 1,92,000 सरकारी नौकरी दी अच्छा। और जब हमको मौका मिला, हमारी सरकार को मिला तो 4,76,000 नौकरियां सरकारी दी। कौन से विभाग में मिली? ये जनता जानना चाहती, जनता जनार्दन जानना चाहती है, ये युवा जानना चाहती है, जानना चाहते हैं भाई, जानना चाहते हैं, बताओ भैया, बताओ कौन है, ये जनता की है, ये युवा जानना चाहती किस विभाग में? सुन लीजिए, अरे जवाब दो, जनता का जवाब दो, चुप करो, पूछो भाई, पूछो, डिबेट ऐसे नहीं होगा, पूछिए युवा, अगर हमने कौन से विभाग में दी बताइए तो, वो देखिए बैंक जी, पूछिए सर, पूछिए, रुक जाइए, रुक जाइए भाई, जनता का जवाब दे दीजिए, इन्हीं से वोट लेना आपको, इनके समय यही जवाब देगी, आप ये बताइए किस विभाग में आपने नौकरी, हम नहीं बोलेंगे, हमें ये सुन लीजिए कि ऐसे लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के विरोधी है, वो देखिए जनता पूछ रही, अरे नितिन जी पूछे, नितिन जी देखिए जनता आवाज दे, सुनिए ये तो सुनिए, नितिन जी आपने बहुत अच्छी बात कही कि जवाब हम इनसे, जनता जनार्दन बात रही है, हमारी बात नहीं है, और हमारी बात लोग खड़े जो तीन मैं बात पूछ रहा, जनता जनार्दन पूछ रही है, इनकी एक सीट नहीं आने जा रही, जनार्दन पूछ रही है, हमारे घर में
जवाब दो, ये तीन में है, किस विभाग में दिया, कौन से विभाग में नौकरी दी, जवाब दिल्ली में कुछ कर नहीं पाए, जवाब यहाँ चले आए, जवाब ही नहीं बुलाया मेहमान, भैया जवाब ही नहीं, तो सुनिए रुकिए, जवाब होता जवाब मिलेगा, ठीक 3 लाख संविदा पर, और सुनिए देखिए बताइए संविदा नौकरी होती है, यही लखनऊ संविदा नौकरी होती है, 11 महीने बाद डंडा चलता है, कर ये भैया हम लोग हम लोग भैया सुनिए और रुकिए, ताली बजाइए, ये कहीं नहीं है, 3 लाख में हम लोग नौकरी देकर ताली बजा रहे हैं, सुनिए अब काम तो देखिए, आपने इनको ज्यादा मौका दिया भाई, सवाल हमसे वो जनता देखिए क्या लिए, हम मौका दे रहे थे इसलिए मैंने कहा कि मैं फिर से आऊंगा, तो आइए सुनिए ना, बोलिए देखिए हमने जो सुनिए हमने जो काम किया है ना, वो ना हमने जात देखा है, ना धर्म देखा है, ना क्षेत्र देखा है, पूर्ववर्ती सरकारें जात देखती थी, धर्म देखती थी, ठाकुर की गाड़ियां दलितों को थाने में बुला बुला के मार डाला, सखियों को सड़कों पे उतार डाला, ये हमारा ठाकुरवाद था, ये ठाकुरवाद था, ये ठाकुरवाद था नितिन जी का, आपने भी देखा, हमने भी देखा, सबने देखा, पहले चुप कराइए, देखिए ठाकुरवाद के अलावा कोई वाद नहीं चला, लोकतंत्र विरोधी, यहाँ हम लोकतंत्र सुरक्षित नहीं रख रहे, आपके चैनल पर जनता जनार्दन, जनता जनार्दन जवाब मांग रही है, जवाब नहीं दे पा रहे हो, जनता जनार्दन जवाब मांग रही है, जवाब नहीं दे पा रहे हो, देखिए जो हमने काम किया वो ना तो किसी क्षेत्र पे, ना धर्म पे, ना जात पर, अगर किसानों का ऋण माफ हुआ है तो उसमें हिंदू भी है, 25 पैसे ब्राह्मण भी है, 6 पैसे सिख भी है, 2 रुपए का चेक दिया गया, अपने शौचालय बनाए उसमें 35 पैसे का कर्ज माफ करके बता रहे, कर्ज माफ दिया, यदि हमने 1,61,00,000 कनेक्शन दिए, पढ़ लीजिए एक बार, सुनिए पढ़ लीजिए, जात देखा न धर्म देखा, आज यदि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे या जो भी 5 एक्सप्रेसवे बने हैं, मेडिकल कॉलेज बने हैं, तो वहाँ पे जाति या धर्म सर्टिफिकेट नहीं मांगा जाता है, वो सबके लिए, और वो चिल्ला वो रहे हैं जिन्होंने कुछ भी नहीं किया, जिन्होंने जो है कहा वो जमीन खाली है, कब्जा करो, जो जमीन खाली है वो जमीन हमारी है, और सुनिए सुनिए तो हमने क्या किया, कि जो जमीन कब्जा किया उस पे बुलडोजर आया, और फिर वो जिसका 2000 घर का मुख्यालय भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना लिया, फिर देख लीजिए और बता रहे जमीन का क्या नहीं किया, बताओ ये यहाँ के अंदर हर जिले में भारतीय जनता पार्टी का कार्यालय बना लिया, एक अगर विधायक बना ले तो आप बताइएगा, सवाल देखिए जो कहीं नहीं कुछ होता वही चिल्लाता है, देखिए ये कर लीजिए ना, तेरा आपकी पोल खोल रहा है, मैं आपकी पोल खोल रहा हूँ, आपके पॉकेट में कितना पैसा है बता रहा हूँ, हमारे भाई हमारे बड़े भाई से पूछिए, ठीक है सर मैं आता हूँ, मिसम भाई आपने सुना चौबे जी की बातों को, देखिए मैं सुन भी रहा था और इन पर बड़ा अफसोस लग रहा था, इनकी लाचारी देख करके मैं खामोश खड़ा था, मुझे ये समझ नहीं आया कि चौबे जी जब आपसे सवाल पूछ रहे तो प्रीतपाल जी बोल रहे हैं, देखिए ऐसा है कि इसलिए बोल रहे हैं कि जो सच्चाई है और सच्चा आदमी कहीं भी हो, वो पार्टी में हो ना हो, प्रदेश का हो ना हो, देश के किसी भी कोने का नागरिक हो, तो ये सच्चे नहीं है क्या, देखिए ये सच्चे नहीं है तो मुझे ये कहना पड़ता है कि इनके जब बड़े बड़े नेता जब वादे करके उसको जुमला कह जाते हैं, आप लोग जब बड़े बड़े नेता इनके वादा करके उसको जुमला बता जाते हैं, तो अब ये बताइए कि जुमले को अगर आप वेरीफाई करो तो वो झूठी होगा कहीं ना कहीं, तो अगर कोई बात यहाँ पर खड़ा होकर के कोई आदमी आपसे कहे और उसको पूरा ना करे तो वो झूठी हुआ नितिन जी, और रही बात मुझे तो नौकरी आपने भी तो 1,97,000 दी थी करीब बता रहे हो, देखिए ऐसा है कि रही बात नौकरियों की, रोजगार की, किसानों को आय दुगनी करने की, उनको खाद सप्लाई करने की, तो आप ये बताइए नितिन जी जो सरकार किसानों को खाद नहीं दे पाई वो सरकार किसानों की आय दुगनी कर पाएगी, एक आम सवाल है जनता के बीच में कि अगर आप खाद नहीं दे सकते हैं तो आय दुगनी आप कर सकते हैं, अच्छा आप जहाँ पे खड़े हैं आप इधर अपना देखिए,
ये पूरा विकास जो आपको दिख रहा है ये इस बात की वानगी है मानी राशि अध्यक्ष की, ये चारों तरफ जो आपको देख रहे हैं, जो जो आप पत्थर लगे देख रहे हैं, ये इस तरह की इंजीनियरिंग है कि अभी तक आपको इस तरह कहीं देखने को नहीं मिली होगी। और ये वाइब्रेट कंट्रोलर होता है जो यहाँ पे लगाया गया है, तो ये ऊपर माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी की है। और कोई भी एक ऐसा काम जिन्होंने एक्सप्रेसवे की बात करी, आप ये बताइए कि वो एक्सप्रेसवे क्या योगी जी ने बनवाया है? वो एक्सप्रेसवे क्या आपकी भारतीय जनता पार्टी की सोच है? वो एक्सप्रेसवे हो गया या आप हजरतगंज में गोमती नगर के अंदर जो हमारे हेलीपैड बनाए गए हैं, आप बताइए उत्तर प्रदेश के अंदर कोई ऐसी बिल्डिंग जिसके अंदर आपका हेलीकॉप्टर उतर सकता है कोई ऐसी बिल्डिंग नहीं है। और एक बिल्डिंग है जो आपके सामने देख ली, जयप्रकाश, उसके अंदर मान राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बनाई है। धीरे धीरे भाई, धीरे धीरे काम होता है। धीरे देखिए, आप वो लंबे समय से नहीं थे उत्तर प्रदेश में, वो आए हैं उत्तर प्रदेश में। अभी पिछले दिनों उन्होंने बच्चों को लैपटॉप और मोबाइल और टैबलेट भी दिया है, तो धीरे धीरे काम होगा ना। अगर हम वो भी मान ले तो ठीक है, पांच साल में जो आपने संकल्प पत्र में अपने जो वादे किए थे उसका एक वादा आप बताइए कि आपने पूरा किया हो। एक वादा बताइए, मैं कहता हूँ 10 काम आप नहीं कर सकते, कोई भी एक काम आप बताइए मन पे हाथ रख करके जो आपने पूरा किया हो, सिवाय आपने जाति धर्म के नाम पर लोगों को लड़ाना, लोगों के घर में देश भावना से लोगों के यहाँ बिल्डोजर चलाना, और आज तक ये जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि खुशी दुबे जेल के अंदर पड़ी है, ये ब्राह्मणों के लिए सबसे बड़े, देखिए यहाँ पर जितने भी हैं ये आम जनता है, और ब्राह्मणों के लिए जो बात करते हैं खुशी दुबे आज भी जेल के अंदर है, उसका कसूर बताइए जिसकी 2 दिन शादी हुई हो और आज भी वो जेल के अंदर पड़ी हुई है। और एक बात और सुन लीजिए, कानून व्यवस्था की आप बात करते हैं, आप हमेशा इनकी पार्टी हमेशा ये बात करती है, मैं आपके माध्यम से बताना चाह रहा हूँ, इनकी पार्टी हमेशा हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष समाजवादी पार्टी के ऊपर एक आरोप लगाती है कि इनके क्या गुंडे हैं, इनके क्या माफिया हैं। तो मैं ये पूछना चाहता हूँ, जो शख्स क्रिकेट खेल रहा था भारतीय जनता पार्टी के अंदर, वो शख्स कौन था? आज गिरफ्तार नहीं हुआ? ठीक है, ठीक है। प्रदीप भाई, आपने सुना चौबे जी ने किस तरह से आपको जवाब दिया है, अब आपके पास क्या जवाब है ये बताइए। चौबे जी हमारे अनुज है, विद्यार्थी जीवन के हमारे अनुज है। अब झूठ बोलना, इन्हें बार बार दबाव बना के अंदर झूठ बुलवाया जा रहा है, इनके आंकड़े फर्जी है। किसका दबाव है इनके ऊपर? सरकार का और योगी महाराज का, क्योंकि योगी महाराज छोटे भाई तो साथ ले जाइए ना, इसलिए बता तो रहे, योगी महाराज का दबाव है। योगी महाराज पूरे देश, पूरे प्रदेश के अंदर क्षत्रिय महासभा की सरकार चला रहे हैं। आप 80% थानों में ठाकुर साहब बैठे हुए हैं, पंडित जी साइकिल चोरी की FIR कराने थाने में चले जाए, दरोगा जो सिंह साहब बैठे हुए हैं, मनोज सिंह जी 20 लाठी मारते हैं, कहते हैं अपराधी ये है, पहले से गिरफ्तार करके जेल भेजो। चौबे जी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता है, आज भी इनको वो स्थान नहीं मिला। अगर योगी महाराज की सरकार नहीं होती तो निश्चित तौर पर ये बहुत, इन्हें बहुत आगे होना चाहिए था। अब हम बताते हैं ये कानून व्यवस्था की बात, 50,000 का इनामी अपराधी जो माफिया है पूर्वांचल का, बैट बल्ला खेलते हुए पूरे पूरे देश और पूरे प्रदेश ने देखा। इन्हीं की सरकार के अंदर जेल के अंदर बर्थडे मनाते हुए अपराधी अपना वीडियो वायरल करते हैं, ये सभी ने देखा। इन्हीं की सरकार में बागपत में वो गवाह जो अपने ही बेटे की हत्या की गवाही देने जा रहा होता है, भारतीय जनता पार्टी के गुंडे घर में घुस के गोली मारते हैं, दुनिया ने देखा। इन्हीं की सरकार में कमल निशान के साथ थाने में घुसकर सुबोध सिंह का, जैसे भारत के लाल को, इनके इनकी भीड़ ने गोली मारी, और ना सिर्फ गोली मारी बल्कि पूरा थाना फूंक दिया, ये पूरे देश और पूरे प्रदेश ने देखा। इन्हीं के कार्यकाल में लव कुमार SSP के घर में घुसकर इनका सांसद वहां पहुंचता है, पूरी भीड़ के साथ पहुंचता है, और उसके पत्नी और बच्चों को अपनी जान बचाने के लिए गौ माता के पीछे खड़ा होना पड़ता है। ये इनकी सरकार के सांसद है, गोरखपुर जहां से योगी महाराज आते हैं, इनके अपने विधायक ट्रेनी IPS को लिंग के आधार पर गालियां देते हैं, वो रोती हुई बाहर निकलती है, ये बात पूरा प्रदेश और पूरा देश जानता है। और जब एक बार जब रोजगार के आंकड़े बता रहे थे अभी भाई, हम पूछना चाहते हैं, वो आंकड़े तो सरकार नहीं बता पाई। सरकार ने जब कहा पूरे प्रदेश से कि 4.5 लाख नौकरियां दी हैं, RTI डाली गई, सरकार ने आज तक जवाब नहीं दिया कि वो नौकरियां कहां और कैसे किसके माध्यम से मिली। ये बात जब ये आंकड़े जब सरकार नहीं दे पा रही है तो निश्चित तौर पे चौबे जी को दबाव बनाया गया होगा, आप ये झूठे आंकड़े पेश करिए। और पूरी बात आ जाती है,
जब सड़कों की बात होती है, क्या कहा था कि 14 जून तक ये प्रदेश गड्ढा मुक्त सड़कों से बन जाएगा। आप बताइए, आप जितने साथी यहाँ खड़े हो, आप लखनऊ की सड़कें बताइए, आप जहाँ खड़े हो वहां की सड़कें बताइए। आज भी हर विधानसभा की ये स्थिति है कि ये सड़कें गड्ढे में है या सड़क गड्ढे में, ये राजधानी की स्थिति है। दूसरी बात बता रहे हैं, अयोध्या जो पूरे विश्व का पेमेंट के लिए मुद्दा है, वो अयोध्या से रायबरेली रोड पर जो एनएस की बात करें, नेशनल हाईवे गड्ढा है या सड़क है, ये योगी जी बता सकते हैं या उस पर चलने वाले लोग बता सकते हैं। अब आइए पूर्वांचल, ये ना एक्सप्रेस वे की बात की थी, पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पे खम ठोक के लिए आए थे और कहा कि हमने बहुत कुछ किया। अब बताइए कि वहां पर अस्पताल है क्या, कॉफी सेंटर है क्या? सुनिए, और इतना नहीं, सुरक्षा व्यवस्था की जो है वहाँ पे पेट्रोलिंग व्यवस्था है क्या? और अगर आप उस हाईवे पर कहीं से चढ़ गए दुर्भाग्य से और पेट्रोल आपकी गाड़ी में थोड़ा कम हुआ, तो आप वहाँ से यहाँ तक खाली धक्का लगाते रहेंगे, आपको पेट्रोल नहीं मिलेगा। ठीक है, पेट्रोल मिलेगा नहीं, दवा मिलेगी नहीं, सुरक्षा मिलेगी नहीं। और आज भी वहां पर इतने कट है, आप किसी गांव से उस एक्सप्रेस वे में चलना चाहे तो आपको 20 किलोमीटर तक कम से कम आपको रॉन्ग साइड चलना होगा। और कितनी गाय उसमें मरी है, गौ माता मरी है। सुनिए और बात, एक लाइन सुन लीजिए। और गौ माता की बात होती है, बांदा में 200 गौ माता जिंदा गाड़ दी गई और सरकार आज तक नहीं बता भाई वो कौन लोग थे, वो आबादी कौन थे। अभी आप चौबे जी से बड़ा बहस कर रहे थे, क्यों बहस कर रहे थे? क्या उन्होंने जो बातें बताई आप संतुष्ट नहीं है? क्या जनता संतुष्ट नहीं है? किस बात को लेकर कितनी नाराजगी है? नितिन जी, जब चौबे जी बोलने लगे तो जनता की तरफ से आवाज आने लगा, युवा बहन हमारे सब लोग वहां से चिल्लाने हुए करने लगे भाई। तो मैंने इनको याद, उनकी आवाज यहाँ तक नहीं पहुंच रही, तो इनको बताने के बताया कि 4.5 लाख नौकरियां जो विधानसभा में जो उसको मंदिर माना करते थे मोदी जी और योगी जी, उसके अंदर घंटा बजा के झूठ बोल रहे थे कि 4.5 लाख नौकरियां थी। जनता को बता दो भैया किस विभाग में थी। आपने कहा 3 लाख नौकरियां निविदा, निविदा क्या होती है भैया? युवाओं को बताओगे 11 महीने के बाद एक लाठी चलती है, तो भैया बताओ नौकरी दोबारा करनी है, लाओ पैसा लाओ, लाओ भैया रजिस्ट्रेशन कराओ। युवाओं का शोषण होता है कि नहीं होता भैया बताओ? होता है ना। तो मैं इनको याद दिला रहा था कि भैया छाती ठोक रहे हो कि 3 लाख में है। ये लीजिए, अब ये तय करेंगे, ये जनता जनार्दन तय करेगी, जो माई बाप सामने खड़े हैं ये वो तय करेंगे, नितिन जी की ये तय करेंगे, ये कौन होते हैं भैया? ये अपना मुख्यमंत्री तो बचा नहीं पा रहे, इनके मुख्यमंत्री के ऊपर तो तलवार लटकी रहती है। याद होगा 3-4 महीने पहले ही होगी बाबा जी गए, फिर पता चला भैया बाबा जी रुके ना, मोदी जी से बनती है, मोदी जी उधर जाते हैं, बाबा जी इधर जाते हैं, पूरा मंत्रिमंडल इनका हिला हुआ। कौशल किशोर जो सांसद है मोहनलालगंज के, वो इनके ऊपर लाठी उठाते हैं। इनके कानून मंत्री बृजेश पाठक, याद होगा कोरोना काल में कितना उन्होंने ट्वीट किया था कि भैया बेड नहीं मिल रहा, भैया ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, भैया आईसीयू बेड नहीं मिल रहा, भैया मरने के बाद शमशान में जगह नहीं मिल रही। इन्हीं के कानून मंत्री, इन्हीं की सरकार में इन्होंने अपने विधायकों को निकाल दिया। जब इनको आईना दिखाया बाबा जी को, याद होगा आप लोगों को, दो दो विधायकों को उन्होंने निकाल दिया। कुलदीप सिंह सेंगर बलात्कारी को नहीं निकाल पाए, 2 साल तक बचाते रहे उसको। ये तो भला हो 30,000 का उन्होंने उम्र कैद की सजा दे दी, भैया घसीट के ले गए, कानून अपने उसका इल्जाम। चिन्मयानंद याद है आपको? सबको याद होगा चिन्मयानंद, कितनी वीडियो चली थी, सबके मोबाइल में आया होगा। उसको बचाने का काम किसने किया? योगी आदित्यनाथ जी। जिस बच्ची ने कहा वो आज जेल में, खुशी दुबे 2 दिन की विवाहिता, उस बच्चे की क्या गलती थी भैया? क्या विकास दुबे की बहू बनना उसकी गलती थी सबसे बड़ी? विकास दुबे को आपने गाड़ी पलटा के मरवा दिया, ब्राह्मणों को आप जीने नहीं देते हो, आप दलित समाज के लोगों को जीने नहीं देते हो, व्यापारियों को होटल से निकाल निकाल के आपकी पुलिस मार देती है। आप लोगों ने सुना होगा कि कहीं का लोग जो है वो फलदा अपराधी भाग गया, फल्ले ने इतने मर्डर किया भागा हुआ है। अरे भैया अंडरग्राउंड है, अरे भैया SSP तुम्हारा अंडरग्राउंड है। तुम्हारे SSP ने निरंतर त्रिपाठी को वहां इलाहाबाद में रंगदारी मांगी, रंगदारी नहीं थी तो मार दिया, वो भागा हुआ है। होमगार्ड सोने के व्यापारी को लूट लिया, आप लोगों ने पढ़ा होगा 5 किलो सोना। ये पुलिसिंग चला रहे हैं, ऐसी पुलिसिंग ये चला रहे हैं, हम चला के दिखाएंगे पुलिसिंग। ठीक है सर, पुलिसिंग के ऊपर एकदम राजनीतिक व्यवस्था हटा के और वो जनता का नौकर बना के दिखाएगी, ये आम आदमी पार्टी करके दिखाएगी। ठीक है सर, फाइनल में मैं सबसे लास्ट में चंद्रमोहन चौबे जी के पास आना चाहूंगा, क्योंकि उनके पास सब बातों का कोई एक जवाब जरूर है और वो लगातार कह रहे हैं कि उन्हें कुछ बोलना है। चौबे जी, आपका आपकी बात के बाद इस कार्यक्रम को खत्म करने वाला हूं, तो ऐसा जवाब चाहूंगा जिससे जनता से राय ले लीजिएगा और ये जनता भी जनता से भी राय ले लीजिएगा भाई। देखिए, अभी आपने देखा होगा
इन्होंने एक बार भी अपराध शब्द का नाम नहीं लिया। ब्राह्मण बता दिया कि ब्राह्मण होता है। अरे अपराधियों का कोई जात नहीं होता ना, चुन के मारोगे तो उसी को तो याद करेंगे। अपराधी अगर कोई मारा जाता तो कहीं ठाकुर मरते देखा भैया? ठाकुर का अपराधी हुआ यहीं पे। ये देखिए, ये क्या आप लोगों ने ठाकुर को किन कोंटर होते देखा? लोकतंत्र विरोधी विरोधी हार नहीं पाते तुम्हारी सजा मिलेगी। मैं आपसे एक सवाल करना चाह रहा हूँ। मुझे लगता है ये आखिरी सवाल होगा, क्योंकि इसके बाद आप सत्ता में रहेंगे ही नहीं, तो अभी तो है फिलहाल। तो एक सवाल आपसे, एक लास्ट सवाल आप सब लोगों की तरफ से। भैया जनता जनार्दन तो बोलने नहीं दे रही है। बोलने दीजिए प्लीज। जब ये कुछ कर नहीं पाते हैं, जनता के बीच में निकल नहीं पाते हैं, उनकी आवाज नहीं। अरे आपका मुख्यमंत्री दौड़ा दौड़ा के मारा जा रहा है। इन्हीं का मुख्यमंत्री कैसा प्रशांत मौर्य दौड़ा दौड़ा के मारे जा रहे हैं। विधायक इनके मारे जा रहे हैं। हिम्मत नहीं है इनको जनता के बीच में जाने की। बताइए भाई, कैसा प्रशांत मौर्य को महिलाएं दौड़ा दौड़ा के भगा रही है, इनके विधायक का दौड़ा दौड़ा के भगा रही है, और ये जवाब देंगे किसानों के आगे मुंह नहीं देख पा रहे। 750 किसान भाई हमारे शहीद हो गए। आज तक प्रधानमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के मुंह से नहीं निकला उनके लिए वेदना, और यहाँ जनता को मुंह बना रहे। बताइए सबसे ज्यादा मुकदमे तो बाबा मुख्यमंत्री के ऊपर है, जो अपराधों की बात करते हैं वो मुख्यमंत्री के ऊपर है। इन्होंने हलफनामा किया, जब पूछे इन्होंने एफिडेविट दिया चुनाव आयोग को, तो चुनाव आयोग का एफिडेविट हजारों मुकदमे तो इनके बाबा मुख्यमंत्री पे। ये अपराधियों क्या बचाएंगे? बाबा ऐसे योग्य मुख्यमंत्री है। 20 मुकदमे बड़े, जिसमें उन्होंने लोगों को लड़ाने का काम किया, मारने का काम किया। उप मुख्यमंत्री कैसा प्रशांत मौर्य के ऊपर मुकदमे? अब बताइए, मुकदमों से भरी सरकार, मुखिया भी चोर, ये हाल। जनता ऐसे को चुनेगी, संरक्षण देने वालों को नहीं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का आज के इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए। और आज हमने ये जाना कि आखिर उत्तर प्रदेश में जो चुनावी माहौल है, चुनावी रणनीतियां हैं, वो कैसी चल रही है। राजधानी लखनऊ में माहौल बहुत ज्यादा गर्म है, क्योंकि लगातार भैया जनता जनार्दन की बात सुननी पड़ेगी ना। जो विकास के ऊपर जिस तरह से कटाक्ष की बात है वो करी जा रही है। जनता जनार्दन देखो सामने खड़ी है, आपको अपने मुद्दे पर हमेशा से अटक रहा है और अपने ही मुद्दे पर वोट डालना है। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए, और प्राइम टीवी पर इसी तरह से जुड़े रहिए, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देख रहे हैं प्राइम टीवी, सच साहस सरोकार।